हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11 है। अब तक हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के अलग अलग तरीके के फैक्टर इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं और उनको सॉल्व किस तरह से करते हैं, अलग अलग मेथड्स पढ़े थे हमने। इसमें भी हम एक मेथड पढ़ेंगे जो रूल नंबर 6 है इंटीग्रल फैक्टर निकालने का। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, एक्स ए वाई पावर बी एम डी वाई एम एक्स एम वाई प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स टू द पावर आर वाई टू द पावर एस एम वाई डी एक्स, फ्रेंड्स एम वाई डी एक्स एन एक्स और डी वाई इस फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर जो होगा वो एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के होगा, जहां पे ए बी एम एन P, Q ये सभी और R एंड S ये सभी कांस्टेंट हैं। तो और H और K की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, H और K की वैल्यू जब इंटीग्रल फैक्टर यानी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के। जो एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, डेल M अपॉन डेल Y इक्वल टू डेल N अपॉन डेल X, यानी जब हम इस इक्वेशन में एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के एच और के की हम वैल्यू निकालते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमें सॉल्व करना है टू वाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई प्लस टू एक्स वाई थ्री वाई प्लस थ्री वाई डी एक्स प्लस फोर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम एक्स और वाई टू दी पावर दोनों जीरो करें जीरो जीरो करें तो ये इसी फॉर्म में एक्स टू दी पावर ए वाई टू दी पावर बी एम एम टू वाई डी एक्स एन थ्री एक्स डी वाई ये सब इसी फॉर्म में है। तो अब हमने क्या किया, लेट इंटीग्रल फैक्टर इज एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, देन अगर एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के इसका इंटीग्रल फैक्टर है तो हमें क्या करना है, एक्स टू द पावर एच और वाई टू द पावर के दोनों का इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर देना है। इस इक्वेशन में हम यहां पर गए इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी सॉरी एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के, और यहां पे देखें तो टू इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के प्लस वन डी एक्स प्लस यहां पे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा थ्री एक्स टू दी पावर एच प्लस वन वाई टू दी पावर के डी वाई प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से टू टू इंटू थ्री सिक्स एक्स टू दी पावर एच, तो एक्स टू दी पावर एच और ये एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू दी पावर एच प्लस वन एंड वाई टू दी पावर के प्लस टू इसे मल्टीप्लाई होगा तो एंड डी एक्स प्लस टू एक्स वाई यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो एट एक्स टू दी पावर एच प्लस टू एंड वाई टू दी पावर के प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब फिर हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इक्वेशन को, तो हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे अगर हम डी एक्स फैक्टर देखें तो यहां से डी एक्स और यहां से डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यानी टू एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस वन प्लस यहां से देखें तो सिक्स एक्स टू दावर एच प्लस वन वाई टू दावर के प्लस टू डी एक्स प्लस अब डी वाई के देखें तो थ्री एक्स टू दावर एच प्लस वन वाई टू दावर के एंड यहां पे देखें तो ये हो गया प्लस एट एक्स टू दावर एच प्लस टू वाई टू दावर के प्लस वन डी वाई, ये हो गया। अब फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है,
तो एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट के लिए हमें कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यही डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो एम बराबर अगर देखें तो टू एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस वन प्लस सिक्स एक्स टू द पावर एच प्लस वन वाई टू द पावर के प्लस टू। तो यहां से डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना चाहे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास के प्लस वन था, के प्लस वन आगे टू का मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस, इसमें भी अगर यही देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां से के प्लस टू आगे आ जाएगा, सिक्स का मल्टीप्लाई है एक्स टू द पावर एच प्लस वन वाई टू द पावर के प्लस वन, ये हो गया। अब फ्रेंड्स एन की बात करें तो एन हमारे पास क्या है, एन बराबर थ्री एक्स टू द पावर के प्लस वन सॉरी एच प्लस वन वाई टू द पावर के प्लस एट एक्स टू द पावर एच प्लस टू एंड वाई टू द पावर के प्लस वन। तो यहां से हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एच प्लस वन एक्स टू द पावर के वाई टू द पावर के प्लस एट और एच प्लस टू, और ये हो गया वाई टू एक्स टू द पावर एच प्लस वन वाई टू द पावर के प्लस वन। अब फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल कब होंगे जब हमारे पास ये टर्म अगर देखे तो ये टर्म और ये टर्म हमारे पास दोनों मिल रही है यहाँ पे एंड ये डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये इक्वल होने चाहिए अगर ये एग्जैक्ट है, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे एक्स टू पावर एच वाई टू की पावर के एक्स टू पावर एच वाई टू की पावर के यानी ये इक्वल होंगे, होने के लिए ये कोएफिशिएंट को इक्वल होना होगा। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन जो आई है फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी हेल्प से, तो ये हो गया टू के प्लस वन इक्वल टू थ्री एच प्लस वन, ये हो गया। और सेकंड अगर देखें तो इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए यानी कि सिक्स के प्लस टू इक्वल टू एट, या अगर हम थ्री को टू को मान ले तो थ्री और यहां पे फोर और एच प्लस टू, ये इक्वल होने चाहिए। ये दो क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास, यहां से एच और के की वैल्यू में निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहां से दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं टू के माइनस थ्री एच और टू इससे मल्टीप्लाई होगा ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टू और यहां पे थ्री सॉरी यहां पे थ्री तो ये वन रह जाएगा इक्वल टू वन। इसी तरह इधर देखें तो ये हो जाएगा थ्री के माइनस फोर एच इक्वल टू थ्री इंटू टू सिक्स और फोर इंटू टू एट, तो इधर टू ये हो गया। अब हमें क्या करना है एच और के की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो यहां से निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम थ्री का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन में टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा सिक्स के माइनस नाइन एच इक्वल टू थ्री और इसमें जब टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स के माइनस एट एच इक्वल टू फोर, तो अभी अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एच बराबर माइनस वन। तो यहां से हो गया हमारे पास एच बराबर वन। अब जब एच बराबर वन है फ्रेंड्स तो हमारे पास यहां से हो जाएगा इस इक्वेशन में एच बराबर वन पुट करें तो टू के प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू टू एच की जगह वन पुट करेंगे तो टू से टू कट जाएगा के प्लस वन बराबर टू या यहां से के बराबर वन, एच और के की वैल्यू वन आ चुकी है। सॉरी यहां के इधर इक्वल टू थ्री था तो के की वैल्यू टू, तो के की वैल्यू टू आ चुकी है, एच और के की वैल्यू एच बराबर वन के बराबर टू। अब ये अगर मल्टीपल वैल्यू यहां पर पुट कर दे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में पुट करने पे हमारे पास ये क्वेश्चन सेट हो जाएगी इसको लिख सकते हैं टू एच की वैल्यू वन थी और के की वैल्यू टू थी, तो टू एक्स एच की वैल्यू वन रख दी हमने यहाँ पे, वाई k
के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 प्लस 6 एक्स, ये हो जाएगा 2 वाई टू की पावर 4, और ये है हमारे पास डी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई के की वैल्यू 2 प्लस 8 एक्स, एक्स की जगह 1 तो 3 वाई 3 और टोटल डी वाई, ये हो गया हमारे पास जब हमने वैल्यू पुट की। तो इसको लिख सकते हैं 2 एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई 4 डी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर इन टर्म्स को हम ध्यान से देखें तो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ है तो ये टर्म आएगी, यानी इस टर्म को एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है। अगर इसमें वाई क्यूब हो तो इन दोनों टर्म की हेल्प से हम लिख सकते हैं इन दोनों टर्म को डी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 एक्स वाई क्यूब डी एक्स, और जब इसको इसको छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर इस टर्म को देखें इसको इसको इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद ये तो 3 रह जाएगा और ये 4, तो ये डी ओवर यहाँ पे एक्स क्यूब वाई 4, ये है हमारे पास। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड फ्रेंड्स 0 चल ही रहा था, ये हो गया। अब अगर दोनों तरफ ऑन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2 एक्स क्यूब y4 इक्वल टू c1। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर यहां तक आपको कोई डाउट हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ये सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे, सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के खत्म हो रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे अभी चलते रहेंगे। तो आगे भी देखिए मेरे वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।